दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका कैरी प्लस चैनल में। साथ में जो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, सहायक और कनिष्ठ सहायक के पदों पर जो है ये भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये आपका जो है ये अलग अलग है, जनरल ओबीसी एससी अलग अलग डेट। यहाँ पर जो है ये यहाँ पे जो 10 वैकेंसी हैं और यहाँ पे 6 वैकेंसी। वैकेंसी मत देखिएगा भाई, यहाँ पे केवल और केवल आप सैलरी देखिएगा। और भारत सरकार की ये देख लीजिए, भारत सरकार के द्वारा भर्ती निकाली गई है। और जो है इसमें जो आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ताजे ताजे अभी है ये 9 मार्च 2024 को इसका जो है विज्ञापन जारी किया गया था। और कहाँ पर है ये बहुत ही अनुसंधान प्रयोगशाला के अंतर्गत है, भारत सरकार के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फॉर्म भरिएगा, अन्यथा मत भरिएगा। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, मेरा काम तो केवल वैकेंसी बताना होता है, केवल आप भरें या ना भरें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नौकरी आपको करनी है। और यहाँ पर देख लीजिए, सैलरी वगैरह यहाँ पर मेंशन कर रखी है, वेतन वगैरह। और यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे है। और यहाँ पे 31 मार्च 2024 तक इसके अंदर फॉर्म ये आप भर सकते हैं। बहुत से कहेंगे भैया आवेदन कैसे करना है, ये लिखा हुआ हाउ टू अप्लाई है ना, आवेदन कैसे करना है। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट ये दे रखी है और यहाँ पर जाके ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। और अंतिम तिथि आप याद रखिएगा 31 मार्च 2024। ठीक है, इसको आप देख लीजिए। और तो और आपको पता होगा, वन विभाग की तरफ से जो है भर्ती विज्ञापन निकाला गया था। यहाँ पर जो है तो यहाँ पर लड़के कमेंट कर रहे हैं, कमेंट यहाँ पे जो है ये, सर मेरे पास जो है वन विभाग वालों की कॉल आई है, तो बोल रहे हैं कि आपका लखनऊ को इंटरव्यू है, सर प्लीज़ बताइए वन विभाग के इंटरव्यू चल रहे हैं क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वन विभाग के इंटरव्यू चल रहे हैं वास्तव में। और यहाँ पर जो ये लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, नेम दिया हुआ, सीरियल नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर इस तरीके से जो है पूरा लिस्ट यहाँ पर जो पड़ा हुआ है, मैंने इसका पूरा लिस्ट जो है ऑफिशियल वेबसाइट से उठा के मैं आपको दिखा रहा हूँ। वन विभाग के यहाँ पर जो है ये ललन लाल झा हो गया, मिस्टर राम सिंह हो गया, यहाँ पर जो है ये पूरा लिस्ट दिया हुआ है। ठीक है, काजल कुमार, इसके बाद यहाँ पर चौबे सिंह। और ये लिस्ट ज़्यादा पुराना भी नहीं है भाई, आज के दिन तारीख आप देख रहे हैं, 10 तारीख कल का लिस्ट है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर जो है ये। और जो मैंने आपके सहायक और कनिष्ठ सहायक के जो भर्ती निकाली वो भी कल निकाली गई थी, मैंने तुरंत आपको बताया। इस चैनल के माध्यम से हमेशा और हमेशा ऑथेंटिक और जल्द से जल्द मेरे चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, पूरा लिस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है ये पूरा लिस्ट, लड़कों के पास कॉल भी आ रही है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप ये जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा लिस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है ये। अब देखो भैया, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो पूरा लिस्ट तो खैर मैं दिखा नहीं सकता हूँ मैं, है ना, फिर भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि लिस्ट में आपको दिखाना चाहे। ठीक है, आपका नाम अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, अगर आपका नाम है तब भी कमेंट कीजिएगा। सर हमारा नाम यहाँ पर देख, राजेश कुमार आगरा। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके, तो यहाँ पर इस तरीके से पूरा लिस्ट यहाँ पर जो आप ये देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है कमेंट कीजिएगा। और थंबनेल में आपने देखा होगा, यहाँ पे जो है सिलाई मशीन योजना चल रही है, स्कीम चल रही है यहाँ पे जो है ये सिलाई मशीन योजना, सिलाई मशीन फ्री मिलेगी आपको जो है ये। भैया आप सभी जानते हैं, जिस तरीके से लैपटॉप और टैबलेट जो है लड़कों को फ्री मिलता है, उसी तरीके से अपना काम शुरू करने के लिए यहाँ पे जो है ये यहाँ पर जो सिलाई मशीन यहाँ पे दी जा रही है। तो आपको जो है सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा CSC, मतलब कॉमन सर्विस सेंटर। ये हर कहीं नहीं होते हैं, कहीं कहीं पर होते हैं हर जिले में, है ना, तो यहाँ पर पता लगाइएगा। और यहाँ पर जो है तो आपको गूगल पर टाइप करना है, यहाँ पर जो है यहाँ पर PM विश्वकर्मा योजना, और यहाँ पर इस तरीके से सर्च करना है। और सर्च करने के बाद देख लीजिए, यहाँ पर योजना है अपना उद्योग शुरू करने के लिए, यहाँ पर सिलाई मशीन दी जाएगी। यहाँ पर जो है ये 4th नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ PM विश्वकर्मा योजना। ठीक है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे तब जाके ये वाला फॉर्म आप जो है वो भर सकते हैं। ये रही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पर जाके जो है भर सकते हैं फॉर्म सिलाई मशीन योजना। अगर आप चाहिए तो करिएगा, नहीं चाहिए तो छोड़िएगा। बात करें यहाँ पर, इन्होंने कहा है कि संस्कृत महाविद्यालय का जो है इसमें जो है बड़े बाबू भर्ती और चपरासी भर्ती आ गई है, सर पता करके बताइएगा। मैं कंफर्म करके तो बताऊंगा, अभी फ़िलहाल तो कोई चपरासी भर्ती नहीं आई है, है ना। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर लड़के कमेंट भी कर रहे हैं, यहाँ पर जो इस तरीके से जो है 40,000 सफाई कर्मचारी भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द आएगा। ठीक है, जिस तरीके राजस्थान में चल रही है ऐसी यहाँ पर भी वो चलेगी। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग का फॉर्म कहाँ से भरना है, सेवा योजना कार्यालय के पोर्टल पर जाके भरना है भाई। मैंने आपको बोला संविदाकारी नौकरी ऐसी करते हैं। और चपरासी बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ सर जो है प्यौन भर्ती में मेरा इंटरव्यू हुआ था 8 मार्च 2024 को, इसका रिजल्ट कब आएगा, 8 मार्च को मतलब परसों इनका इंटरव्यू हुआ था। ठीक है, रिजल्ट बहुत जल्द आएगा, चिंता मत कीजिएगा, आपको नौकरी जरूर मिलेगा जब तक मैं आपके साथ हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो इस तरीके बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है यहाँ पर जो है ये। मेरे को बस आप ये बता दीजिए भाई, ये 92 साल की उम्र में जो है 5 बार शादी कर रहे हैं आदमी, एक बार शादी करके जो पछताता, और यहाँ पे देख लीजिए इसके बारे में जरा कमेंट कीजिएगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आजकल बताइए, है ना, 60 साल के बाद आदमी रिटायरमेंट हो जाता है ना, इसके देख लीजिए यहाँ पर जो है 92 साल की उम्र में भी जो है पंप में जाने हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा यहाँ पर जो है ये।
और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल करे प्लस। थैंक यू वेरी मच।